माई चैनल नेम इज SRR ज्ञान लाइफ चैनल। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सूट यानी कुर्ती की के निशान किस तरह से लगाते हैं और किस तरह से इसकी कटिंग की जाती है, यह मैं अपनी वीडियो में बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं कि किस तरह से इसमें निशान लगाएं, फिर इसकी कटिंग करें। तो देखें, सबसे पहले हम फोर लेयर का कपड़ा ले रहे हैं। देखें, सबसे पहले हमने फोर लेयर का कपड़ा लिया है, एक दो और ये तीन चार, ये फोर लेयर का कपड़ा है। देखिए, हमें इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं निकालना, जितना हमें कुर्ती में यूज होगा उतना ही कपड़ा हम यूज कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लगाएंगे इसके तीरे का निशान। तीरे का निशान हम लगाएंगे 7 इंच पर। तीरे का निशान हम लगाएंगे 7 इंच पर। तो देखिए, 7 इंच पे हम इसका तीरा लगा रहे हैं और 3 इंच पर हम इसका गले का निशान लगाएंगे, ये देखिए। और हमें पीछे का गला हमें इसका 3.5 इंच का रखना है, तो हम 3.5 इंच का इसका पीछे का गला रखेंगे और हमें आगे का 6.5 इंच। देखिए फ्रेंड्स, ये 7 इंच का हमने तीरा रखा है, तो उसी हिसाब से हमें 7 इंच का ही मुड्ढे का निशान लगाना है। देखिए, 7 इंच पे हमने मुड्ढे का निशान लगाया और ये हमारा चेस्ट जो है 36 इंच के चेस्ट की हम नाप रख रहे हैं, तो यहाँ पे चौथाई यानी 9 इंच पे रखेंगे निशान। और देखें, मुड्ढे पे थोड़ा सा तीर बनाकर इसकी गोलाई कर लेंगे, ये इस तरह से देखें। फिर इसमें ये 9 इंच का हमने निशान लगाया है जो हमें सिलाई करके रखना है। 1.5 इंच इसका फालतू रखेंगे, 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके हिसाब से ही हमें ये देखें सीधी लाइन खींचेंगे 8 इंच तक। सीधी लाइन खींचने के बाद में थोड़ा सा 0.5 इंच का हमें ढाल रखने के लिए थोड़ा तिरछा करना है। इसके बाद 4.5 इंच का हमें कली का ढाल बनाना है, 4.5 इंच का हमें कली। देखिए, अब हम इसके तीरे में थोड़ा सा ढाल देते हुए इसकी कटिंग कर देते हैं। देखिए, हल्का सा तीरे में ढाल लेते हुए इसकी तीरे की कटिंग कर देते हैं और ये फिर हम मुड्ढे को काटते हैं, ये इस तरह से, और ये हल्का सा गोलाई करते हुए ही काटेंगे। ये इसकी गोलाई करते हुए हम इसमें कट कर देते हैं। ये देखिए, ये हल्का सा हमने थोड़ा ढाल लेते हुए इसको जैसे हमने निशान लगाया था उसके अकॉर्डिंग ही इसमें ढाल लेते हुए इसको कटिंग कर देते हैं और जो हमने कपड़ा लिया था उसको हम सीधे ऐसे ही काट देते हैं। ये जो पीछे का कपड़ा ही एक्स्ट्रा है थोड़ा सा, आगे का हमने जितना हमें सूट में लेना है उतना ही कपड़ा लिया है। ये देखिए, ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसका आगे का कपड़ा अलग करने के बाद में हमें आगे के गले की कटिंग करनी है। देखिए, ये हमने पीछे के गले की कटिंग करके इसको कपड़े को अलग कर दिया है। जो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है इसमें हम आस्तीन भी निकाल सकते हैं और देखें, तीरे का थोड़ा सा निशान हम हल्का सा मुड्ढे पे ढाल के लिए लगा देंगे 0.5 इंच का। ये देखिए, इस तरह से हमें निशान लगाना है और इसको हमें कटिंग में ले लेना है। ये देखिए, हल्का सा हम ढाल लेते हुए मुड्ढे का निशान लगा के मुड्ढे की कटिंग कर रहे हैं। ये हल्का सा 0.5 इंच का, इसमें थोड़ा सेक अच्छी आती है इसलिए इसका हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा काटना होता है। अब हमें आगे का गला कटिंग कर लेना है। ये देखिए, ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये हमारा आगे का है, ये पीछे का है, ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। इस तरह से हम कटिंग कर लेते हैं। अब देखें,
हमें आसिन बनाने के लिए हमें ये जो कपड़ा बचा है इसमें से हम ये देखिए इस तरह से हमने ये कपड़ा रखा है, इस तरह से ये निशान लगाया, ये इस तरह से और ये इस तरीके से हम इसी में से ये शॉर्ट आस्तीन निकाल रहे हैं। ये देखिए इस तरह से कटिंग करेंगे, ये इस तरह से कट कर लेते हैं। फिर इसके बाद हमें ये आस्तीन इस तरह से इस आस्तीन की कटिंग कर देते हैं। ये हमारी दोनों आस्तीनें निकल जाती हैं। ये देखिए ये हमारी इस तरह से आस्तीन निकल गई हैं और ये हल्का सा यहाँ उधार ले लेंगे हल्का सा। ये देखिए इस तरह से हमारी ये दोनों आस्तीनें कंप्लीट हो गई हैं। ये देखिए ये हमारी दो आस्तीन बन गई हैं और ये हमारे सूट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। इस तरह से आप भी अपने सूट की कटिंग कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार एंड जय भारत।